सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में मिली हार के बाद अब खिलाड़ी इंग्लैंड के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज में कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस की और ऐसा कारनामा किया इन्होंने, जिसको देखने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के भी पसीने छूट गए। चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय टीम की धाकड़ प्रैक्टिस के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन है विकेट कीपर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार गई थी और उसके बाद खिलाड़ियों के ऊपर काफी ज्यादा उंगलियां भी उठ रही थी, लेकिन अब खिलाड़ी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से टीम को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 टेस्ट सीरीजों में हार का सामना करना पड़े। आपको बता दें कि रोहित शर्मा इस सीरीज से पहले ही आक्रामक अंदाज में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ चुके हैं। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सभी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई और वहीं कोई भी गेंदबाज रोहित शर्मा के आगे कुछ नहीं कर पाया। रोहित शर्मा ने 109 रनों की शानदार पारी से ये चेतावनी दे दी है कि वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर जमकर टूटने वाले हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा का बल्ला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे महामुकाबलों में फ्लॉप रहा। दोनों पारियों की अगर बात की जाए तो लगभग उन्होंने 60 रन ही बनाए थे, जबकि भारतीय समर्थकों के साथ साथ टीम मैनेजमेंट को ये उम्मीद रही होगी कि रोहित शर्मा जैसे महान बल्लेबाज कुछ जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर बड़ा स्कोर बनाते, लेकिन अफसोस रोहित शर्मा वहां पर फ्लॉप रहे। लेकिन अब रोहित शर्मा पूरी तरह से वापस लौट चुके हैं और इंग्लैंड की टीम को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी रणनीति बना चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम के विस्फोटक और उभरते हुए सितारे ऋषभ पंत, जो कि अपनी तेज बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, यहां भी कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे गए। उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाने वाले हैं। ऋषभ पंत ने इस प्रैक्टिस मैच को भी T20 बना दिया। उन्होंने सिर्फ 61 गेंदों में ही 99 रनों की शानदार पारी खेल डाली, लेकिन अफसोस कि वो अपने शतक से सिर्फ एक रन से चूक गए, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। बता दें कि टीम इंडिया के खिलाड़ी बेहद ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं और दोस्तों, ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे तो किसी भी गेंदबाज की बिल्कुल भी नहीं चली और कोई भी गेंदबाज ऋषभ पंत के ऊपर थोड़ा सा भी दबाव नहीं बना सका। ऋषभ पंत जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हों और किसी भी हालत में अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में कोई गलती नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अब प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम ने अपने तेवर दिखाए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड की टीम को हमारी टीम आसानी से हराने वाली है। और आप सभी को क्या लगता है कि होने वाले पहले टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर इंग्लैंड, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।